पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8। तो ट्रिग्नोमेट्री कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर के बारे में सीखते हैं, जानते हैं कि उस चैप्टर को कह क्या रहा है, उस चैप्टर की मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है। पहला क्या है, ट्राई। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, गोनू। तीसरा क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट, ट्राई मीन्स होता है क्या थ्री, गोनो मतलब क्या होता है साइड। ट्राई मीन्स क्या होता है थ्री, गोनो मीन्स क्या होता है साइड। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजर करना किसी भी चीज को, कि मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि हमें तीन साइड क्या करना है, मेजर करना है, तीन साइड को मेजर करना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या कौन सी साइड है मेजर करनी है, कैसे देखेंगे। और अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें कि ये क्या है हमारा कुतुब मीनार है, ठीक है। ये क्या है हमारे यहाँ पे, कुतुब मीनार है। इस कुतुब मीनार को कोई पर्सन यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है। इस पर्सन क्या कर रहा है, कोई यहाँ पे एक पर्सन है जो इस कुतुब मीनार को क्या कर रहा है, देख रहा है। और हमें इसकी हाइट पता करनी है, हमें क्या पता करनी है, इसकी हाइट पता करनी है कि हाइट कितनी होगी। तब देखो इसमें हमें कितने साइड्स मिलेंगे, ये हम देख रहे हैं कि ये पर्सन जो खड़ा है यहाँ पे इसके और कुतुब मीनार के बीच की जो डिस्टेंस है ये ले लिया हमने, एक डिस्टेंस ये ले लिया हमने। दूसरा डिस्टेंस अगर हम लेंगे आई कॉन्टेक्ट से और इस कुतुब मीनार के टॉप की जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम, ठीक है। कि इसके आई कांटेक्ट से जो होगा और ये इसके यहाँ तक हाइट की एक साइड ये हो गई। और दूसरा ये तीसरा साइड क्या करना है, हमें ये वाली हाइट पता करनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो हमें यहाँ पे तीन साइड मिल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, अगर हमें इसकी हाइट देखनी है तो हम यहाँ से खड़े होके इसकी पूरी हाइट को बता देंगे। यही कहलाता है आपका बाय द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें बताना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें ये साइड पता होगी, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ये साइड हमें पता है 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड हमें पता है क्या 7 सेंटीमीटर, हम इस वाली साइड को मेजर कर पाएंगे बाय द मेथड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को मेजर कर लेंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं, फिर इसको हम हटा के एक बार फिर से हम एक बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। हमने क्या करा, एक ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें देखो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर हमें एक साइड पता करनी है तो उसमें एक 90 डिग्री होना क्या है, कंपलसरी है। एक क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमने ले लिया ए बी सी ट्रायंगल, हमने क्या लिया ए बी सी ट्रायंगल लिया। उसमें जो एंगल बी है वो क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब क्या है 90 डिग्री है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो अगर इसमें हम यहां से हम बात कर रहे थे, इसमें देखो अगर आप तो हम यहां से इसको देख रहे थे, तो इसमें देखो हमें तीन चीजें पता चलती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो जब हमने इस एंगल को लिया था, इस एंगल को हमने लिया तो इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली जो हाइट थी वो क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, हाफ एंगल। अब हम कोई भी ले सकते हैं, ये हम मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एंगल पी, एंगल पी का जो एंगल हमें पता कर, जो एंगल हमें दिया गया होगा, जो एंगल हमें दिया गया होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और इससे जो जुड़ी हुई लाइन होगी, जो इससे कनेक्टेड लाइन होगी, जुड़ी हुई लाइन होगी, उसको हम कहेंगे बेस। तो बेस की डिफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, एंगल पी, एडजेसेंट ऑफ एंगल पी, एडजेसेंट ऑफ एंगल पी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, इस एंगल से जुड़ी हुई जो लाइन है उसको कह देंगे हम एडजेसेंट ऑफ एंगल पी। अब कह सकते हो आपके साथ जुड़ी तो ये भी है, जुड़ी तो ये भी है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। अब देखो बच्चों पता है ना कि हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कि हम दो डिफिशंस के कह सकते हैं कि इससे और इससे, इन दोनों की हाइट से क्या होगी, ये सबसे लार्जेस्ट हाइट होगी, ये क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे लार्जेस्ट हाइट होगी। एक तो डिफिनेशन ये हो गई कि हाइपोटेनस हम लिख सकते हैं क्या होगी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। हम क्या लिख देंगे इसको, लार्जेस्ट डिस्टेंस लिख देंगे। और हम ये भी लिख सकते हैं कि 90 के जस्ट अपोजिट,
ना क्या लिखेंगे, 90 के जस्ट अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में हमने ये देख लिया क्या है, परपेंडिकुलर को पहचाना सीख गया हमने, बेस को पहचाना सीख गया, हाइपोटेनस को पहचाना सीख गया। अब हाइपोथेरस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, या फिर हमें हाइपोटेनस नहीं पता, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। जो जो हमें दो साइड दी होगी हम तीसरा पता कर लेंगे इसके थ्रू बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको आता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये चीजें कैसी है क्या है आगे हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हमने क्या देख लिया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को पहचानना हमने सीख लिया। अब हम क्या निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब इसको कैसे पता करते हैं, एक ट्रिक है, एक फार्मूला है, आओ देखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और क्या है, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। अब इसका मतलब क्या होगा, यस से क्या हो जाएगा, साइन, सी से कॉस, टी से टेन, यस से क्या हो जाएगा हमारा, साइन, सी से क्या हो जाएगा, कॉस, टी से क्या हो जाएगा, टेन। अब इस पी बी पी और एच एच बी का मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसका मतलब क्या होगा, पी से क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, पी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा हमारा, बेस, एच से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका ये मतलब था कि साइन कॉस टेन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम सारी चीजों की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे इसका रिलेशन इन सारी चीजों से है। हम लिखते हैं क्या, साइन, यहाँ पे हम एंगल को थीटा ले लेते हैं, ठीक है। एंगल को थीटा का मतलब क्या होगा कि हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया हमने ए बी और सी। ये बी क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और जो हमने एंगल माना है जिसके बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जिसके एंगल पर डिफाइन करेंगे, उस एंगल को हम ले लेते हैं क्या है, वो एंगल क्या हमारा, थीटा है। तो इसी थीटा के बेस पे हम अब मेजर करेंगे साइन कॉस टैन की वैल्यू, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा था, परपेंडिकुलर हम कैसे पहचानेंगे कि 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस हो गया। और फिर क्या होगा, इस थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन होगी, ए बी, इस थीटा की थीटा वैल्यू हमें निकालना है, इसको लेके हम क्या करेंगे, इसी साइड को लेके हम निकालेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट साइड वाला हमने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर, तो ये जो ए बी होगी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो सी इस एंगल से लगा हुआ जो साइड है वो क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। तो हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो देखो साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ये तो हमारे तीन हो गए। अब तीन और हैं, तो टैन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, कॉट, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, और साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस सेक थीटा, ठीक है। अब हम इन सब की वैल्यू इसी फार्मूले से निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन की जो साइन की वैल्यू हो गया पी बाई एस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, हम साइन निकाल लेंगे। साइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब देखो कॉस के लिए क्या निकालेंगे, कॉस थीटा के लिए निकालेंगे हम बेस अपन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपन हाइपोटेनियस, समझ आ रही बात है। टेन थीटा के लिए क्या निकालेंगे, पी अपान बी, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब कह रहा है कॉट की वैल्यू निकालना है, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, पी नी बी नीचे है, बेस नीचे है, तो बेस को ऊपर कर देंगे, बेस को ऊपर कर दिया, परपेंडिकुलर को नीचे कर दिया। अब ऐसे ही कॉस है, ये सेक है, कॉस की वैल्यू को उसको क्या करना है, अपोजिट करना है, हमने क्या कर दिया, यस कर दिया और बी कर दिया। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को भी उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, क्या जाएगा, यस अपान पी। अब बताओ क्लियर हो गया नहीं, हम वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सिंपल। अब आगे इस पे हम आपके एनसीईआरटी 8.1 करेंगे, और इसके बाद से जो उसमें दिक्कत होगी, जो भी आपके नए नए सवाल बनेंगे, नए नए